आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद जी। कहाँ से आए आप? बहादुरगढ़ से हैं। यहाँ पे किस चीज का ट्रीटमेंट? मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटनों में दर्द होता है चलने पर, उसका इलाज कराया है। अच्छा, क्या कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ है, 50% फायदा है। अच्छा। बाकी अब घर जाने पे थोड़ा पता चलेगा। बाकी कितने दिन से एडमिट करा? मैं यहाँ पर 18 दिन से हूँ। 18 दिन से एडमिट है और 50% फायदा हुआ। दोस्तों, जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर ये आप मूर्ति देखिए, इनका नाम है चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ये दिल्ली के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के नाम पे ये हॉस्पिटल को बनाया गया। जब आप हॉस्पिटल में आएंगे तो आप ये देखेंगे सुंदर नज़ारा हॉस्पिटल का। सेकंड फ्लोर पे है पंचकर्म विभाग महिला, यानी यहाँ पर महिला का विभाग अलग है और उस साइड जो है वो पुरुषों का विभाग अलग है। ये हॉस्पिटल में बना रखा है, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है पूरे हॉस्पिटल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दीपक यादव और आप देख रहे हैं एडवाइज़र दीपक। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ एशिया के सबसे बड़े आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जिसका नाम है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद। आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग या आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, जिनको भी पैरालाइज की या नस ब्लॉक होने की या पेट की कोई भी आपको परेशानी होती है, सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से चाहूँगा। आपके भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं या आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले वीडियो को बाद में देखना, पहले वीडियो को शेयर करो ताकि आपके सारे जितने भी जानकार हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे। दोस्तों, आप सर्जरी ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल से आप थक गए हैं और आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। मैं आया हूँ दोस्तों आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से आपका इलाज किया जाता है बिना किसी ऑपरेशन के। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर आप बस से, ऑटो, रिक्शा या अपने कन्वेंट से आ सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये नजफगढ़ एरिया है दिल्ली के अंदर, खेरा डाबर का, वहाँ पर आप पड़ता है। स्टार्टिंग में ये आपको मूर्ति मिलेगी, ये है चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की, जो प्रथम मुख्यमंत्री है दिल्ली के। अभी आप यहाँ हॉस्पिटल देखिए कितना बड़ा, पूरे एरिया तक ये हॉस्पिटल है, बहुत हरियाली है और काफ़ी शानदार हॉस्पिटल बनाया गया है। अब हम चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये आपको लाइन दवाइयों की लाइन दिख रही है और ये लाइन आपको दिख रही है पर्चों की। यहाँ पर क्या है कि महिलाओं के लिए अलग लाइन है, पुरुषों के लिए अलग लाइन है और सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन है। तो यहाँ से हमने पर्ची अपनी बनवा ली, पर्ची मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पर्ची बनती है वो सिर्फ 10 रुपये की पर्ची बनती है, 10 रुपये की पर्ची बनती है। इसमें लिखा हुआ कि कौन से OPD में आपको जाना है और वहाँ पर आपको किन डॉक्टर से मिलना है। पर्ची बनने के बाद सबसे पहले आपको लेना है टोकन, तो यहाँ पर आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन मिलने के बाद आपको यहाँ पर वेटिंग एरिया है, वहाँ पर आराम से तसल्ली से वेट करना अपने नंबर का, कोई दौड़ भाग नहीं है। डॉक्टर को दिखाना है, यहाँ पर रूम बने हुए हैं OPD के, आपका जौन सा रूम होगा उस रूम में आपको डॉक्टर को दिखाना है। दिखाने के बाद डॉक्टर आपको चेक करके अपना दवाई लिखेंगे। ऐसे देखो अभी दवाई यहाँ पर लिख दी है। अब मैं आ गया हूँ ये लाइन पर, यहाँ पर दवाइयाँ मुझे मिलेगी। सबसे पहले दवाइयों की पर्ची की एंट्री करवानी पड़ती है, तो ये जो लाइन है ये है एंट्री की लाइन है। यहाँ पर पुरुषों की अलग लाइन है और महिलाओं की अलग लाइन है। यहाँ पहले एंट्री करवानी पड़ेगी, एंट्री करवाने के बाद फिर दवाई मिलती है। आप देख सकते हैं पूरा खाली है, कोई भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं, तसल्ली से यहाँ पर सारा ट्रीटमेंट होता है, ये आप देखिए। अब मैं चलता हूँ दोस्तों फ्लोर पर, ये आपको दिख रहा है ये आगे फ्लोर पर। आप देखिए सबसे पहले आप देखिए साफ़ सफाई कितना बढ़िया है, आप खुद बोलेंगे कि हाँ ये प्राइवेट हॉस्पिटल फेल कर रखा है। साफ़ सफाई बहुत अच्छी मिलेगी, सारी सुविधा यहाँ पर अच्छी मिलेगी। जो आपको अभी मैं आपको ले चलता हूँ वार्ड के रूम में, कैसे कैसे वहाँ पर रूम्स होते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये हो गया ये वार्ड का रूम, ये आपको ऐसे वहाँ पर अगर आपको जब भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर आपको बोलेंगे भर्ती कराने के लिए, तो आपको ऐसे रूम मिलेगा बाकायदा, एक बेड मिलेगा आपको, एक टेबल मिलेगी सामान रखने के लिए आपको, और ये ऐसे आपका आपको बेड का फैसिलिटी मिलेगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से बाहर का एरिया, ये मैं आपको बाहर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है ये पूरा आप देखिए, पूरा दूर दूर तक एकदम हरियाली है। सबसे खासियत क्या है, जो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सारी दवाइयाँ बाहर से नहीं आती है, दवाइयाँ भी यहीं पे जनरेट की जाती है और उसी दवाइयाँ से फिर यहाँ ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी है कि आयुर्वेदिक तरीके से आपका इलाज किया जाता है और आपके लिए बहुत सही, सर्जरी वर्जरी की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होती है, तसल्ली से आपका इलाज यहाँ पर अच्छे पूर्वक, यहाँ समय लगता है लेकिन अच्छे से इलाज होता है आपका, टाइम लगेगा लेकिन तसल्ली से आपका इलाज होता है। नाश्ते की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सुबह आपको चाय नाश्ता मिल जाता है, नाश्ते पे आपको सुबह शाम ये नाश्ता मिलेगा और खाने आपको मिलेगा। आपकी जो दवाइयाँ चल रही है जैसे काढ़ा है या जो मेडिसिन आपको दिए वो आपको टाइम टाइम मिलता रहेगा।
जीवन साथी है, साथ निभा रहे हैं। वेरी गुड। दीपक अब अंकल देखो बिना डंडे के फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। अब अंकल को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की दिक्कत परेशानी होगी वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया अस्पताल है ये आयुर्वेद का और इतना बढ़िया इलाज होता है इसमें। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है हॉस्पिटल का। आधी बीमारी तो ऐसी दूर हो जाती है हॉस्पिटल को देख के। ठीक है अच्छा। ये नजफगढ़ में अस्पताल है और फुल आयुर्वेदिक अस्पताल है। यहाँ पर हर तरीके की प्रॉब्लम जो एलोपैथ में जो मना कर दी जाती है उसका भी बहुत बढ़िया तरीके से इलाज किया जाता है यहाँ पे। और मात्र 10 रुपये में आप ओपीडी की पर्ची बनवा के यहाँ पे इलाज अपना शुरू करा सकते हैं। अच्छे अच्छे काबिल डॉक्टर हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि भीड़ भाड़ होती है तो किसी को समय नहीं दिया जाता। यहाँ पे डॉक्टर इतनी बढ़िया तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और आपका समाधान करेंगे उसका। कभी भी यहाँ पे आइए आप, पहले तो ओपीडी की पर्ची बनवाइए 10 रुपये की, उसके बाद जिस डॉक्टर का जो बीमारी आप बताएंगे उसी हिसाब से आपको डॉक्टर दिया जाएगा। उस डॉक्टर के पास आपको टोकन लेना है, पहुंचना है, उसके बाद आपको जो जो बीमारी है आपको वो बताएंगे, आप वो उनका उपचार करेंगे। आपको एक हफ्ते की दवाई दी जाती है पहले, उसके बाद आप अगले हफ्ते आते हैं। फिर अगर आपको आराम नहीं मिलता तो हो सकता है दवाई को बदलें, या फिर यहाँ पे एडमिट की भी सुविधा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे ये बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ पे आपको आपके बीमारी के हिसाब से वहाँ एडमिट किया जाता है। अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। तो मतलब ये ऐसा है कि एडमिट किया जाता है और उसके बाद डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, अपने अकॉर्डिंग जो आपकी प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है भैया, जैसे मैं अभी मैं देख रहा हूँ ये जो कुछ पेशेंट्स हैं, एक बार जरा आप इनसे थोड़ा पूछिए कि इनकी ट्रीटमेंट क्या चल रही है और क्या सुविधा है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स जो वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छी नॉलेज मिल सके। एक बार इनसे जरा पूछिए आप, तब इनके पास चलते हैं हम। भैया जरा इनसे थोड़ा सा आप इस हॉस्पिटल के बारे में राय लीजिए। जी बिल्कुल, ये अभी रेस्ट का टाइम है, जैसे कि सुबह से सब लोग हॉस्पिटल में अपने अपने बेड पे थे, ये शाम का वक्त होता है, थोड़ा सा मौसम भी सुहाना हो जाता है और देखिए आप कितनी अच्छी हवा चल रही है, तो सभी लोग अपने अपने बेड से थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। आइए चलिए इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इलाज करा के इनको क्या कुछ फायदा हो भी रहा है या इसी तरीके से यहाँ पे समय गुजारा जा रहा है। सबसे पहले हमारे बुजुर्ग अंकल है, मैं इनसे चाहूंगा, अंकल आप अपना नाम बताइए। शशि किशोर शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से? अच्छा, यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में लड़का के डेरा है, मकान मिला हुआ है। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, किस चीज का इलाज करा रहे हैं आप? वही लकवा का। लकवा का? चलिए और हमारे अंकल बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे। अंकल आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद जी। कहाँ से आए आप? बहादुरगढ़ से। यहाँ पे किस चीज का ट्रीटमेंट? मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटनों में दर्द होता है चलने पर, उसका इलाज करा रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ है, 50% फायदा है। अच्छा। बाकी अब घर जाने पे थोड़ा पता चलेगा। बाकी कितने दिन से एडमिट कर? मैं यहाँ पर 18 दिन से हूँ। 18 दिन से एडमिट है और 50% फायदा हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात। अंकल आपका क्या नाम है? जगमोहन रावत। अच्छा, किस चीज का इलाज करा रहे हैं आप? मेरा नस दबी हुई है तो पैर से चलने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, कहाँ की नस दबी हुई है? कमर की दबी है। कमर की, रीढ़ की? हाँ, और राइट हैंड साइड उससे पैर से जो है चला नहीं जा रहा। अच्छा, तो अब कितने दिन से एडमिट है आप? मेरे को हफ्ता हो गया। अच्छा, कुछ फायदा हो रहा है? 20% फायदा है। अच्छा, हफ्ते भर में 20% का फायदा हुआ।
चलिए, आप किस चीज का इलाज करा रहे हैं? डिस्क प्रॉब्लम भाई साहब। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सहरावत। कहाँ से आप? नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। कुछ फायदा हो रहा है? हाँ हो रहा है भाई साहब। कितना फायदा हुआ अभी तक? लगभग 40-45% फायदा। 40-45% हो गया फायदा, बहुत अच्छी बात है। कुलदीप सिंह। अच्छा जी, किस चीज का इलाज करा रहे हैं आप? मैं पैरालाइज करवा रहे हूँ। बड़े खुश लग रहे हैं आप, इसका मतलब फायदा हो रहा है आपको? हाँ हो रहा है। अच्छा, कितने परसेंट फायदा हुआ आपको? 30% तो है ही। 30% फायदा। कितने दिन से एडमिट है आप? डेढ़ हफ्ता हुआ। डेढ़ हफ्ते में आपको 30% फायदा हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है अंकल जी? नरेश कुमार। किस चीज का इलाज करा रहे हैं आप? घुटने का। ये क्या लगा हुआ है आपके घुटने में? लेप लगा हुआ है, लेप लगा के। अच्छा, लेप लगा के पट्टी बांधी हुई है। अच्छा, तो इससे फायदा हो रहा है आपको? हाँ। कितना फायदा हुआ अभी तक? अभी तक 20% तो फायदा है। कितने दिन हो गए आपको एडमिट हुए? मेरे को 15 दिन होने का है। 15 दिन होने को है। 15 दिन में 20% फायदा हो गया, यानी कि बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमने सुना है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एलोपैथिक में लोगों को आराम तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन उसके कई नुकसान भी होते हैं, कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। आयुर्वेद में यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस दवा का। अंकल जी, क्या नाम है आपका? प्रभु यादव। आप तो वही अंकल है ना जो लठ कंधे पे लेके? हाँ, वही अंकल। क्या बीमारी है आपको? बीमारी ऐसे है, पहले कमर का नस और गर्दन का नस बैठा हुआ था। अच्छा। उसका इलाज मैंने 15 दिन कराया। अच्छा। उसको हमको आराम मिल गया जी। अब मैं घुटने के करा रहा हूँ। अच्छा। तो घुटने का मैं 50% आराम भाई है। 50% आराम है। कितने दिन हो गए आपको एडमिट हुए? अभी हो गया 8-10 दिन हुआ होगा। 8-10 दिन हो गए। चलिए, पहले भी रह के गए आप? हाँ, पहले 15 दिन रह के गए। अच्छा, कितने पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पे? पैसे बहुत है, ना बराबर है। ना बराबर है? हाँ, मतलब फिर भी कितने पैसे लगते हैं यहाँ पे? 30 रुपए पर डे। हाँ। उसमें खाना वाना भी मिलता है आपको? बेड खाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या अंकल आपका? सूरज भान यादव। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को MND की बीमारी है। अच्छा, तो कितने दिन से आप एडमिट हैं? हफ्ता हो गया। कुछ राहत मिली आपको? 10% थोड़ा बहुत। हफ्ते में 10%। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जल्दी से जल्दी आप लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों को जाएं। हाँ, हम अब आ रहे हैं लाला जी के पास। हमारे साथ हैं अंकल जी, ये लाला जी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे, ये सारे बुजुर्ग लोग बता रहे हैं लाला जी, और बड़े ही हसमुख हैं। नाम क्या है आपका? एच आर मौर्या जी। कहाँ से हैं आप? हम सागरपुर, दिल्ली से। सागरपुर से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सर, हमें डिस्क का प्रॉब्लम है। डिस्क प्रॉब्लम है जिससे मैं काफी दिन तक ऐसे एलोपैथिक से जूझता रहा। कई डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने ऑपरेशन लिख दिया है कि भाई ये आपका बीमारी ऑपरेशन से ही ठीक होगा। अच्छा। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया जो कि टैगोर गार्डन में है, तो उन्होंने कहा कि हरिंदर सिंह नाम है, कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, बस सर आप 1.5 साल दवाई खाओ। उनके पास मैं 1.5 साल दवाई कंटिन्यू रहा, और उसके बाद में फिर मैं उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, कैसे, मतलब आपका तो 1.5 साल हो गया, हमारा तो दवाई जब तक जब तक आराम है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये दवाई आपको कंटिन्यू लेनी पड़ेगी जब तक जियोगे जब तक। अच्छा। तो फिर मुझे निराशा हुई कि भाई ये तो धोखा दे गए। तो हमें किसी से पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे आयुर्वेद, पहले उन्होंने बोला था कि 1.5 साल में हम ठीक कर देंगे आपको, और 1.5 साल होने के बाद कह रहे हैं कि जिंदगी भर खानी पड़ेगी। हाँ, आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ये आपके साथ जिंदगी के साथ ही चले गए। अच्छा। अगर ऑपरेशन नहीं कराना है तो? अच्छा। और ऑपरेशन में कोई गारंटी नहीं कि आप जो है ठीक ही हो जाओगे। अच्छा। तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ का हमें एड्रेस मिला, मैं यहाँ आया पिछले अप्रैल में, जो भी अप्रैल गया, तो यहाँ फिर एडमिट हुआ। तो 17-18 दिन पहले रह के गया था, और फिर 27 तारीख से फिर आया हूँ अभी। अच्छा, बीच में छुट्टी कर देते हैं फिर दोबारा? हाँ, 15-17 दिन के लिए रखते हैं, तो उसके बाद में छुट्टी कर देते हैं। इलाज चालू रहता है अपना, हफ्ते हफ्ते में 10-10 दिन में आके दवाई ले जाओ ओपीडी से, और जरूरत पड़ती है तो फिर आप वो बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, अब आप एडमिट हो जाओ। तो अभी आप जब दोबारा एडमिट हुए हैं तो आपको कितना कुछ फायदा हो रहा है? अब तो 50% का मुझे फौरन मिला करके। 50%? हाँ जी, 50% में ओके हूँ। पहले से परेशानी तो है, लेकिन 50% जैसे पहले चलने में वैसे भी, बैठने से उठने में फिर कमर टेढ़ी हो जाती थी, अब वो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल स्टिक खड़ा हूँ आपके सामने, ये तो स्टिक भाई का है। अच्छा। बाकी स्टिक उठ की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा।
ऐसे भी आप चल लेते हैं? हाँ जी, जीना वीना भी चढ़ लेते हैं? जीना वीना चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ज्यादा ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे एक जीना हो तो खत कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा जीना चढ़ने में दिक्कत। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे YouTube चैनल की तरफ से आपको। बहुत जल्दी आप लोग स्वस्थ हों और अपने अपने परिवार के साथ खुशियां बांटें। धन्यवाद, धन्यवाद।